नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ई विद्या चैनल नंबर 6 to 12 पर योग शक्ति कार्यक्रम में। आज का ये कार्यक्रम जो होगा उसका विषय है योगिक मैनेजमेंट फॉर अल्सरेटिव कोलाइटिस। और इस सत्र में योग, इस सत्र को आप देखते हैं, योग का ये कार्यक्रम देखते हैं मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और आयुष मंत्रालय के सौजन्य से। और आज के सत्र में हमारे एक्सपर्ट हैं मिस सुनीला प्रधान, सीनियर रिसर्च फेलो हैं एम्स में, और डेमोन्स्ट्रेटर हैं प्रीति जोशी जो एमडी एनआईवाई में बीएससी स्टूडेंट हैं। आप दोनों मेहमानों का हम बहुत स्वागत करते हैं। आगे बढ़ें और सत्र की शुरुआत करें। इससे पहले अपने दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि आप हमारा ये कार्यक्रम योग शक्ति का कार्यक्रम आप यूट्यूब चैनल NCERT ऑफिशियल पर भी देख रहे हैं, और अपनी प्रतिक्रिया अगर आप इस कार्यक्रम के संबंध में कुछ प्रतिक्रिया देना चाहते हैं या आपके मन में कुछ प्रश्न उठते हैं इस विषय से जुड़े हुए तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके अलावा टेलीफोन नंबर है, मोबाइल नंबर है 8800440559 जिस पर अपनी प्रतिक्रिया या क्वेश्चंस भेज सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें ईमेल के जरिए भी अपनी प्रतिक्रियाओं से अवगत करा सकते हैं जो है mdniy@yahoo.co.in। आगे बढ़ें सत्र की शुरुआत करने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आपके लिए। वी आर प्राउड दैट इंडिया एज्यूम्ड द G20 प्रेसिडेंसी एंड विल कन्वीन द G20 लीडर्स समिट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री इन 2023। A nation deeply committed to democracy and multilateralism, India's G20 presidency would be a watershed moment in her history as it seeks to play an important role by finding pragmatic global solutions for the well-being of all, and in doing so manifest the true spirit of Vasudhaiva Kutumbakam or the world is one family. और इस सूचना के बाद शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की, योग शक्ति कार्यक्रम की। और सबसे पहला प्रश्न जो आपके मन में भी उठ रहा होगा और मेरे मन में भी है कि दरअसल अल्सरेटिव कोलाइटिस होता क्या है, तो अपनी एक्सपर्ट सुनीला प्रधान से यही पूछेंगे कि अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में हमारे दर्शकों को जागरूक करें, अवेयर करें कि होता क्या है और कैसे लोग इसकी चपेट में आते हैं, इसका शिकार होते हैं। जी, अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है, जो ये बीमारी है, ये एक इन्फ्लेमेटरी बवल डिजीज़ के तौर पर जानी जाती है। और इसमें बेसिकली आप ये समझ सकते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम रिलेटेड ये प्रॉब्लम है, जिसमें कि जो बड़ी आंत होती है जिसको हम कॉलोन के नाम से जानते हैं, इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है और इसके साथ साथ अल्सर्स हो जाते हैं। तो अल्सर्स, और क्योंकि इन्फ्लेमेशन है तो इस बड़ी आंत में सूजन हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है, अल्सर हो सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि इसमें सूजन होने के कारण काफ़ी बार एब्डोमिनल पेन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। जी जी, और मैम इसमें एक प्रश्न ये भी उठता है कि किस एज में, किस एज ग्रुप में इस बीमारी के होने की आशंका रहती है, और क्या दुनिया के अलग अलग देशों में कई बार होता है कि कुछ पर्टिकुलर रीजन में कुछ तरह की बीमारियां, कुछ तरह की समस्याएं ज़्यादा होती हैं, कुछ जगहों पर कम होती हैं। चूँकि हम लोग आज योगिक मैनेजमेंट के माध्यम से अल्सरेटिव कोलाइटिस को क्योर करने या उसका मैनेजमेंट करने की बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि भारत में इसका क्या रेट है, रेट ऑफ कह सकते हैं अफेक्टेड पीपल, या फिर किस एज में होने की संभावना रहती है, अगर मैं ये प्रश्न पूछूं। वैसे तो अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है ये सभी एज के लोगों में पाया जा सकता है, परंतु जो 20 से 40 के उम्र के जो व्यक्ति हैं इनमें अधिक देखा जा सकता है आजकल के टाइम पे। और इसके अलावा 60 से ऊपर के व्यक्तियों में भी ये देखा जा सकता है। जैसे कि आपने प्रश्न पूछा कि ईस्टर्न कंट्रीज़ में या फिर वेस्टर्न कंट्रीज़ में या फिर इंडिया में इसका क्या रेशो है, तो जानिए ये कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में इसका जो अनुपात है वो काफ़ी अधिक है एज़ कम्पेयर टू ईस्टर्न कंट्रीज़, क्योंकि यहाँ का खाना पीना, कल्चर और एनवायरमेंटल फैक्टर्स कुछ इस तरीके से रहते हैं कि समटाइम्स हम इसको मैनेज कर सकते हैं। परंतु वेस्टर्न कंट्रीज़ में क्योंकि खाना पीना, रहन सहन और जो कल्चर है, हेरिटेज है, उसके हिसाब से हम अगर देखें तो ज्यूस जो व्यक्ति होते हैं उनमें ये जो अल्सरेटिव कोलाइटिस की परेशानी है ये अधिक देखी जाती है। जी, तो खाना पीना का जिक्र आपने किया, तो इसमें एक प्रश्न ये भी उठता है कि क्या कारण है अल्सरेटिव कोलाइटिस से अफेक्ट होने के, कारण क्या हो सकते हैं ज़्यादातर जगहों पर, ज़्यादातर लोगों में? जी देखिए, अल्सरेटिव कोलाइटिस जो रोग है इसमें क्योंकि बड़ी आंत से ये
प्रभावित होता है ये डिज़ीज़, तो ये जान लेना बहुत अधिक आवश्यक है कि इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो माइल्ड से मॉडरेट, मॉडरेट से सीवियर कैटेगरी में हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। अगर सिम्टम्स की बात करें तो माइल्ड फॉर्म में अगर हम देखें तो एब्डोमिनल पेन हो सकता है, डायरिया हो सकता है जिसमें कि लूज मोशन बहुत अधिक हो सकते हैं। ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, डिपेंडिंग अपॉन देयर सिवियरिटी। किसी किसी व्यक्ति में 4 से 6 बार से लेकर अधिक 15 से 20 बार तक भी डायरिया हो सकता है, लूज मोशन हो सकते हैं, और साथ साथ ही स्टूल में जो रक्त का अमाउंट होता है वो भी धीरे धीरे करके बढ़ने लगता है। और इसके साथ साथ क्योंकि बॉडी में बहुत ज़्यादा क्योंकि ब्लड लॉस हो रहा है तो काफ़ी व्यक्तियों में देखा जाता है कि अनीमिया की शिकायत पनपने लगती है, और साथ ही साथ क्योंकि बहुत बार लूज मोशन हो रहा है तो शरीर से जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी धीरे धीरे करके क्षय होने लगते हैं, और साथ ही साथ जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होता है शरीर का वो भी बिगड़ने लगता है। इसीलिए ध्यान आपको ये देना है कि आपका खाना पीना सही होना चाहिए, बहुत अधिक हाई फाइबर डाइट नहीं लेना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं उसका आप नियमित रूप से उसको अवॉइड करें, इमीडिएटली अवॉइड करना है उसको, कम से कम 2 से 3 महीने तक आपको इन चीज़ों का अवॉइड ज़रूर करें। 3 चीज़ें मैं आपको कहूँगी कि जिसको आपको इमीडिएटली रिस्ट्रिक्ट कर देना है, प्रोहिबिट कर देना है अपनी डाइट में। पहला है दूध, दूसरा है मीठा, और तीसरी चीज़ है कि आप जो भी हाई फाइबर डाइट है उसको आप रिस्ट्रिक्ट करें। अगर इसके साथ साथ अगर हम देखें कि क्या खाया जा सकता है तो फल फ्रूट में आप ये देख सकते हैं कि 3 चीज़ें मैं अगेन दोबारा बताऊंगी, जो 3 चीज़ें हैं वो हैं केला, बेल का जो फ्रूट होता है वो आप उसका शरबत ले सकते हैं, और साथ ही साथ आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो अनार होता है, अनार का सेवन आप नियमित रूप से यदि करते हैं तो आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस में काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। चलिए, तो ये बहुत अच्छी जानकारियाँ थी, बहुत इम्पॉर्टेंट जानकारियाँ थी। एक सवाल और, आगे हम बढ़ें और हमारी जो डेमोंस्ट्रेटर हैं वो आज के टॉपिक से जुड़े हुए मैनेजमेंट सिखाएं और बताएं, उससे पहले मैं एक प्रश्न और पूछना चाहूँगा कि शुरुआती लक्षण क्या होते हैं, बिगिनिंग के बारे में, अगर लोगों को लगता है कि वो प्रभावित हैं, या क्या ऐसे लक्षण हैं जिससे लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अल्सरेटिव कोलाइटिस का इफेक्ट उन पर है? जी, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि माइल्ड फॉर्म में डायरिया हो सकता है, कभी कभी फीवर भी आ सकता है, इसमें लो ग्रेड का फीवर आ सकता है। अगर आपके स्टूल में रक्त की मात्रा आने लगती है या फिर चिपचिपा पदार्थ निकलने लगता है स्टूल के साथ साथ, और लूज मोशन होने लगे और बहुत ज़्यादा अधिक मरोड़े उठने लगे अगर आपको पेट के हिस्से में, तो आपको इमीडिएटली किसी ना किसी डॉक्टर को कंसल्ट अवश्य कर लेना चाहिए, क्योंकि ये अल्सरेटिव कोलाइटिस ऐसी बीमारी नहीं है जिसका कि डायग्नोसिस नहीं किया जा सकता, डेफिनेटली किया जा सकता है। यदि आप डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं और डॉक्टर को लगता है कि आपको फर्दर कंसल्टेशन की आवश्यकता है, फर्दर डायग्नोसिस की आवश्यकता है, तो कोलोनोस्कोपी करवाई जा सकती है, और इसके माध्यम से डायग्नोसिस, प्रॉपर डायग्नोस होना बहुत ज़रूरी है रोग का, और इसके बाद फिर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट किस प्रकार का दिया जाना चाहिए, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन क्या रहेगा और डाइटरी मॉडिफिकेशन किस प्रकार का होना चाहिए, वो आपको डॉक्टर की सलाह के बाद ही आप इसको ज़रूर करें। चलिए, थैंक यू सो मच मैम, ये सारी जानकारियाँ, महत्वपूर्ण जानकारियाँ देने के लिए आज के टॉपिक से जुड़ी हुई। और अब हम आगे अगले चरण की तरफ बढ़ते हैं, और आज के सत्र में जो टॉपिक है यौगिक मैनेजमेंट ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस, उसको किस तरह से मैनेज किया जा सकता है इसके बारे में हम अपने दर्शकों को बताते हैं। तो मैम बताएंगी कि कौन कौन सी यौगिक क्रियाएँ आप कर सकते हैं, और प्रीति जोशी जो कि MD NIY में BSc की स्टूडेंट हैं, हमारे स्टूडियो में हैं, वो आपको डेमोंस्ट्रेट करके दिखाएंगी योगिक क्रियाओं को। जी, शुरुआत करते हैं प्रार्थना के साथ। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाना है, पद्मासन या अर्ध पद्मासन, आप जैसे भी कंफर्टेबल हो, एक आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा की अवस्था में रखेंगे, 2 से 3 बार लंबे गहरे श्वास प्रश्वास करें, और अभ्यास के लिए अपने शरीर को, अपने मन को पूर्ण रूप से तैयार करें। दोनों हाथों को अब वक्ष तल के सामने नमस्कार मुद्रा में ले आएं प्रार्थना के लिए।
लंबा गहरा श्वास भरें, एक बार ओमकार, तत्पश्चात प्रार्थना। सहनावतु सहनौभुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। दोनों हथेलियों का परस्पर घर्षण करें। हथेलियों का स्पर्श आंखों पर, शरीर पर लगाते हुए सहजता से अपने आंखों को खोल लें। सबसे पहला अभ्यास हम षटकर्म के अंतर्गत कपालभाति का करने वाले हैं, जिसके लिए आप जिस स्थिति में बैठे हुए हैं उसी स्थिति में बने रहें। जिस प्रकार से प्रीति जी को आप देख सकते हैं, पद्मासन का अभ्यास उन्होंने लगाया हुआ है। दोनों हाथ रखेंगे घुटनों के ऊपर, पीठ कमर गर्दन सीधी करके बैठना है। कपालभाति के अंतर्गत लंबा गहरा श्वास लेते हैं सबसे पहले, और श्वास छोड़ते हुए पेट का संकुचन कर छक छक की आवाज़ के साथ श्वास को शरीर से बाहर निष्कासित किया जाता है, कुछ इस प्रकार से। ध्यान रहे, इस अभ्यास को करते समय आप कम से कम 15 से 20 बार इसका अभ्यास करें। परंतु आपको इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस के समय पर यदि इस रोग से आप ग्रसित हैं, तो इस अभ्यास को आप बहुत ही मीडियम स्पीड से करेंगे, बहुत अधिक तेज़ गति के साथ नहीं करना है, अन्यथा आपको इसका दुष्परिणाम देखने को मिल सकता है। जो ब्लीडिंग की परेशानी है अल्सरेटिव कोलाइटिस के कारण, वो बढ़ सकती है। श्वास छोड़ते हुए विराम दें अभ्यास को। 2 से 3 बार लंबे गहरे श्वास प्रश्वास कर पुनः एक बार कपालभाति का दूसरा चरण शुरू करेंगे। लंबा गहरा श्वास लें और श्वास छोड़ते हुए चक चक की आवाज के साथ अभ्यास करें। हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि जब हम योगाभ्यास को कर रहे हैं तो पेट वाले हिस्से को, उदर वाले हिस्से को ध्यान में रखते हुए कि इस हिस्से में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपरली सर्कुलेट हो सके, इसीलिए इन अभ्यासों को हम नियमित रूप से प्रतिदिन करें। श्वास छोड़ते हुए अभ्यास को विराम दें और विश्राम करें। धीरे से पैरों को खोल लें। अब खड़े हो जाएंगे। धीरे से खड़े हो जाएं और इसके बाद हम करने वाले हैं उदर शक्ति विकासक क्रिया। दोनों पैरों के बीच में 2 इंच का अंतर दे दें। दोनों हाथ शरीर के बगल और सामने देखते हुए दाहिने हाथ को अपने पेट पर रख लें, उदर वाले स्थान पर रख लें, और श्वास प्रश्वास धीमी गति के साथ करें। ध्यान रहे, इस अभ्यास को करते समय आपका पूरा ध्यान श्वासों पर हो, उदर वाले स्थान पर हो। धीरे धीरे श्वास लेते हुए पूरे पेट को फुलाना है और श्वास छोड़ते हुए पेट को पिचकाना है। बहुत अधिक फोर्स नहीं लगाना है श्वास निष्कासन के समय पर। यदि पेट में दर्द उत्पन्न हो तो आप इस अभ्यास को रोक सकते हैं। 5 से 7 बार इस अभ्यास को प्रतिदिन नियमित रूप से आप कर सकते हैं। धीरे धीरे श्वास भरें और धीरे धीरे प्रश्वास करें। यदि आप सहज हों इस अभ्यास को करते समय, तो आंखों को बंद कर
उदर स्थान पर ध्यान दिया जा सकता है। प्राणवायु उदर वाले हिस्से पर बढ़ता हुआ अनुभव करें। अब हाथ को नीचे ले आएं सामान्य अवस्था में, आंखों को खोल लें। आइए चलिए चलते हैं आसनों के अभ्यास की ओर। पहला आसन ताड़ासन, दोनों पैरों के बीच 2 इंच का अंतर रखकर खड़े हो जाएं। दोनों हाथ सामने की दिशा में उठा लें, उंगलियों को आपस में फंसाते हुए हथेली को बाहर की तरफ पलट दें। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं और शरीर को ऊपर की ओर खींचें। पुनः श्वास भरते हुए धीरे धीरे एड़ी को ऊपर की ओर उठाएं और पंजों के बल आने का प्रयास करेंगे। सावधानी पूर्वक इस अभ्यास को करें। बहुत अधिक हाथों को ऊपर उठाने के कारण यदि पेट वाले हिस्से पर दर्द उत्पन्न हो तो आप हल्का सा हाथों को नीचे की ओर रख सकते हैं। 10 से 15 सेकंड होल्ड करने के पश्चात धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए एड़ी को नीचे की ओर ले आएं। हथेली को पलटते हुए सिर के ऊपरी हिस्से पर रख लें और विश्राम करें। इस दौरान शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ दें। पुनः एक बार ताड़ासन का अभ्यास और श्वास भरते हुए हथेली को ऊपर की ओर पलटते हुए हाथ को सिर के ऊपर ले जाएं। श्वास भरते हुए एड़ी ऊपर की तरफ उठाएं। रोक कर रखें इस अभ्यास को 10 से 15 सेकंड। इस अभ्यास को एक राउंड में रोका जा सकता है। ध्यान को एकाग्र करने के लिए यह अभ्यास बहुत ही लाभप्रद सिद्ध होता है। श्वास छोड़ते हुए एड़ी को नीचे की ओर लेकर आएं और हाथों को सामने से लेते हुए नीचे की ओर ले आएं। अगला अभ्यास वृक्षासन का। दाहिने पैर को फोल्ड करें घुटने से और अपने पैर के पंजों को रखेंगे दूसरे पैर के इनर थाई पर। दोनों हाथों को बगल से उठाते हुए सिर के ऊपर ले जाएं नमस्कार मुद्रा। सामने की ओर देखते हुए एक टक होते हुए देखना है सामने आई लेवल पर और श्वास प्रश्वास पर पूरी तरह ध्यान दें। यह अभ्यास न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव करने में सहायक होता है। श्वास छोड़ते हुए हाथ बगल से नीचे की ओर लेकर आएं, पैर को सीधा कर लें। अब बाएं पैर को मोड़ें और अपने पंजे को रखें दाएं जंघा मूल पर। दोनों हाथों को बगल से सिर के ऊपर उठा लें, नमस्कार मुद्रा में ले जाएं दोनों हाथों को। सामने देखते हुए श्वास प्रश्वास पर पूरी तरह ध्यान दें। ध्यान रहे अभ्यास को करते समय आप श्वास प्रश्वास को रोके नहीं, श्वास प्रश्वास नियमित रूप से सामान्य रूप से चलती रहे। श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले आएं, पुनः श्वास छोड़ते हुए पैर सीधा कर लें। अर्ध चक्रासन का अभ्यास। दोनों पैरों के बीच में कंधों के समान अंतर देकर खड़े हो जाएं। दोनों हाथों को कमर पर रख लें, कोहनियों को बराबर एक सीध पर रखें। श्वास भरते हुए गर्दन सहित छाती को पीछे की ओर धकेलें, कमर को सामने की ओर हल्का सा धकेलना है। बहुत अधिक पीछे जाने की आवश्यकता नहीं होती है इस अभ्यास में। यदि आपको लगे कि पेट में बहुत अधिक दर्द हो रहा है तो आप पीछे बहुत अधिक ना झुकें। सावधानी पूर्वक इस अभ्यास को करना है। श्वास भरते हुए धीरे से वापस आएं।
कुछ देर इसी अवस्था में खड़े होकर विश्राम करना है। 2 से 3 बार लंबा गहरा श्वास प्रश्वास कर पुनः इस अभ्यास को एक बार दोहराएंगे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे गर्दन पीछे की ओर धकेलें, छाती को पीछे की ओर ले जाएं। श्वास प्रश्वास सामान्य गति से चलती रहे। ध्यान आप गर्दन पर और पेट के हिस्से पर दें। श्वास सामान्य रूप से चलती रहे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर आएं। दोनों हाथों को सामान्य अवस्था में लाते हुए विश्राम करें। अगला अभ्यास वीर भद्रासन का। दोनों पैरों के बीच 3.5 से 4 फीट का अंतर देकर खड़े हो जाएं। दोनों हाथ बगल से कंधों की सीध तक उठा लें। दाहिना पंजा दाईं ओर मोड़ें। श्वास छोड़ते हुए घुटने को 90 डिग्री तक मोड़ें और गर्दन को दाईं ओर घुमाएं। श्वास प्रश्वास सामान्य गति से लेते रहें, छोड़ते रहें। उदर वाले हिस्से पर ध्यान देते हुए शरीर की अलाइनमेंट पर ध्यान दें और इस अभ्यास को करें। श्वास भरते हुए घुटने को सीधा करें, गर्दन सामने की ओर, पंजा सामने की ओर। श्वास छोड़ते हुए इसी अभ्यास को अब बाईं ओर से दोहराएं। बायां पंजा बाईं ओर। श्वास छोड़ते हुए घुटने को मोड़ें 90 डिग्री के कोण तक और धीरे धीरे नीचे की ओर जाएं और गर्दन को ले जाएं बाईं ओर। इस अभ्यास को सावधानी पूर्वक करें। बहुत अधिक नीचे तक नहीं जाना है सो दैट कि आपके एब्डोमिनल एरिया पे बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं इंक्रीज होना चाहिए। श्वास भरते हुए ऊपर की ओर आएं, घुटने को सीधा कर लें, पंजा सामने की ओर और हाथ को नीचे ले आते हुए दोनों पैरों को मिला लें। अब बैठ जाएंगे दंडासन की स्थिति में। इन अभ्यासों को करने के पीछे का रीज़न यह है कि जो आपको फैक्टर्स बताए गए, जो ट्रिगर पॉइंट्स बताए गए कि स्ट्रेस बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि जो कंडीशन होती है अल्सरेटिव कोलाइटिस की उसको इनक्रीज़ कर देता है। इसीलिए ध्यान ये रखना है कि आप स्ट्रेस कम से कम लें, बहुत अधिक स्ट्रेस नहीं लेना है और रिलैक्सेशन अधिक से अधिक जितना आप कर सकते हैं। तो योगाभ्यास रिलैक्सेशन को इंड्यूस करता है। वज्रासन का अभ्यास। दोनों पैरों को मोड़ते हुए नितंब के नीचे ले जाएं। दोनों पैर के पंजों को मिलाकर रखें और दोनों हथेलियों को जंघाओं के ऊपर रखते हुए श्वास प्रश्वास करते हुए उदरीय श्वसन पर ध्यान दें। इस अभ्यास को करने से एब्डोमिनल जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, डाइजेस्टिव फायर इम्प्रूव होती है और ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है। श्वास प्रश्वास पर पूरी तरह ध्यान दें। यहीं से करेंगे शशक आसन का अभ्यास। दोनों घुटनों को दूर दूर ले जाएं। दोनों हाथों को रखें जमीन पर पैरों के बीचों बीच। श्वास भरे लंबा गहरा और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर हाथों को ले जाते हुए छाती को जमीन पर ले आएं और थुट्टी को रख लें जमीन पर। इस अभ्यास को सावधानी पूर्वक करना है। यदि आपको लगे कि अल्सरेटिव कोलाइटिस यदि आपको है और इस अभ्यास में वैसे तो ये अभ्यास बहुत ही लाभदायक है, परंतु आपको लगे कि आप अनकंफर्टेबल हैं इस अभ्यास को करते हुए, तो आप इमिडिएटली इस अभ्यास को अवॉइड करें या फिर लो डिग्री में इस अभ्यास को कर सकते हैं। ध्यान पूर्वक इस अभ्यास को करें। श्वास प्रश्वास पर पूरा ध्यान दें। शरीर की स्थिति, मानसिक स्थिति पर ध्यान दें। श्वास भरते हुए
ऊपर की ओर वापस आएं। पैरों को मिलाते हुए दंडासन की स्थिति में वापस आएं। भद्रासन का अभ्यास, दोनों पैरों को मोड़ें और पैरों के तलवों को आपस में मिलाते हुए आप पैर की एड़ी को शरीर के नज़दीक ले आएं। दोनों पैरों के पंजों को हाथों से होल्ड कर लें। श्वास प्रश्वास करते हुए पैर के घुटने को ज़मीन के नज़दीक लाने का प्रयास करें। आँखों को बंद करते हुए श्वास प्रश्वास पर ध्यान दें। और बेसिकली इस अभ्यास को करने का मोटिव ये है कि उदरीय श्वसन इम्प्रूव हो सके, साथ ही साथ जो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स हैं उन एरिया, जो भी एरिया अफेक्टेड है वहाँ के अपान वायु, जो बेसिकली लोअर बॉडी पार्ट में पाया जाता है, उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसके सर्कुलेशन के लिए बहुत ही लाभदायक आसन है भद्रासन का। श्वास प्रश्वास पर ध्यान देते रहें। श्वास भरते हुए अब पैरों को सीधा कर लें, आंखों को कोमलता के साथ खोल लें। अब धीरे से पीठ के बल लेट जाएंगे। पीठ के बल लेट कर किए जाने वाले आसनों में हम इंक्लूड करेंगे दो आसनों को, पहला है सेतुबंध आसन और दूसरा है पवन मुक्तासन। सेतुबंध आसन के लिए दोनों पैरों को आपस में मिला लें, शरीर के बगल दोनों हाथों को रखें, पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए एड़ी को अपने नितंब के नज़दीक ले आएं। दोनों एड़ियों को पकड़ लें अपने हाथों से। ध्यान रहे जितना आपके एड़ी पंजों में अंतर है उतना ही घुटनों के बीचों बीच भी अंतर रहे। श्वास भरते हुए कमर वाले हिस्से को ज़मीन से ऊपर की ओर ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए सहजता पूर्वक शरीर को नीचे की ओर लेकर आएं। इस अभ्यास में फाइनल पोस्चर में बहुत अधिक देर तक होल्ड नहीं करना है, आप इसको अल्टरनेटिव तरीके से श्वास भरते हुए ऊपर ले जा सकते हैं और बहुत अधिक ना रोकते हुए आसन स्थिति में वापस नीचे आ सकते हैं। तो इस अभ्यास को 2 से 3 बार आप दोहराएं। श्वास भरते हुए कमर ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, पुनः श्वास भरते हुए एक बार फिर कमर को ऊपर की ओर उठाएं। कुछ इस प्रकार से कि छाती आपके कंठकूप से लग जाए। श्वास छोड़ते हुए कमर नीचे की ओर ले जाएं। विश्राम करें, दोनों हाथों को ढीला छोड़ दें और पैरों को सीधा कर लें। इन अभ्यासों को यदि सही रूप से किया जाए, नियमित रूप से किया जाए, तो अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसे डिजीज़ में बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। अगला अभ्यास पवन मुक्तासन का। दोनों पैरों को मिला लें, दोनों हथेलियां ज़मीन की ओर, दोनों हाथ शरीर के साथ। दोनों पैरों को मोड़ें घुटनों से और अपने पैरों को छाती के नज़दीक ले आएं। दोनों हाथों से अपने पैरों को होल्ड कर लें और इसी अवस्था में कुछ देर बने रहें। ध्यान रहे आप गर्दन नहीं उठाएं इस अभ्यास को करते समय, अन्यथा जो एब्डोमिनल प्रेशर है वो अधिक इंक्रीज होने के कारण जो कोलोन का जो ब्लीडिंग है, रेक्टल ब्लीडिंग है, वो इंक्रीज हो सकती है। इसीलिए इस अभ्यास को आप बिना गर्दन को उठाए करें तो अधिक लाभ मिलेगा। श्वास भरते हुए पैर को सीधा कर लें, हाथ नीचे ले आएं और अब शवासन में लेट जाएं। दोनों पैरों के बीच 1.5 से 2 फीट का अंतर, दोनों हाथ शरीर से कुछ दूरी पर रख लें,
हथेलियों का रुख छत की ओर। श्वास प्रश्वास पर पूरा ध्यान देते हुए पूरे शरीर को शिथिल छोड़ दें, इतना शिथिल कि शरीर इससे अधिक विश्राम की स्थिति में हो ही नहीं सकता। दोनों पैर ढीले, दोनों हाथ ढीले, कमर ढीली, नाभि वाला प्रदेश ढीला, पेट वाला हिस्सा ढीला, छाती ढीली, गर्दन चेहरा ढीला। अब धीरे धीरे अपने ध्यान को उदर स्थान पर ले जाएं और पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पर दें और अनुभव करें कि प्राण वायु उदर के हिस्से पर बढ़ रहा है और उदर से संबंधित जो रोग हैं वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। ऐसा भाव, ऐसा विचार रखते हुए श्वास प्रश्वास पर ध्यान दें। शवासन एक रिलैक्सेटिव पोस्चर है। जब भी आपको लगे थकान, क्योंकि अल्सरेटिव कोलाइटिस में जैसा कि कहा गया कि बहुत ज़्यादा इम्यून सिस्टम वीक हो जाने के कारण शरीर और डिहाइड्रेशन, जैसे कि लूज मोशन बहुत अधिक हो रहा है तो शरीर में डिहाइड्रेशन होने लगता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने लगता है, तो शरीर बहुत ही वीक एग्जॉस्टेड फील करने लगता है। आप थोड़ा सा भी काम करेंगे तो थकावट बहुत अधिक होने लगती है, इसीलिए विश्राम करना बहुत ही आवश्यक है। तो जब भी आपको समय मिले तो आप शवासन में कुछ देर विश्राम अवश्य करें। दोनों पैरों को मिलाते हुए दाएं ओर की करवट लेते हुए धीरे से उठ के बैठ जाएं। ध्यान आपको ये रखना है कि आप स्ट्रेस बिल्कुल भी ना लें, खाने पीने का विशेष रूप से ध्यान रखें और योग अभ्यास नियमित रूप से करें। प्राणायाम के अभ्यास की ओर चलते हैं। सबसे पहला अभ्यास उदरीय श्वसन। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा की अवस्था में रख लें। अब धीरे से दाहिने हथेली को पेट पर रखें। श्वास प्रश्वास करते हुए पेट को फुलाएं एवं पिचकाएं। पूरा पूरा अवेयरनेस आपका उदर पर होना चाहिए। ये अभ्यास बहुत ही लाभप्रद सिद्ध होता है। यदि आप बाकी आसन ना कर सकें, आप बाकी क्रियाएं ना कर सकें तो सिंपली आप दिन में कम से कम 3 से 4 बार उदरीय श्वसन अवश्य करें। कम से कम 11 से 15 राउंड एक बार एक सिटिंग में अवश्य करें। अब हाथ को ज्ञान मुद्रा की अवस्था में रख लेंगे। नाड़ी शोधन प्राणायाम। दाहिने हाथ की प्रणव मुद्रा धारण करें। पहले दो उंगलियों को फोल्ड कर लें और अपने थंब के रूट पर रखें। दाहिने अंगूठे को रखें अपने दाएं नासारंध्र के ऊपर। बाएं नासा छिद्र से लंबा गहरा श्वास भरें और दाएं तरफ से प्रश्वास करें। पुनः दाएं ओर से ही श्वास भरें और धीरे धीरे अंगूठे से दाएं नासा छिद्र को बंद करते हुए बाएं ओर से प्रश्वास करें। यह हुआ नाड़ी शोधन प्राणायाम की एक आवृत्ति। इसी प्रकार से दो आवृत्तियां और करें। ध्यान अवश्य इस बात का आपको रखना है कि आप जब प्राणायाम को यदि सही रूप से नहीं करेंगे तो आपको काफ़ी दूसरी दिक्कतें शरीर में पैदा हो सकती हैं। प्राण का फ्लो अगर इम्प्रॉपर रहता है तो आपको हेडेक हो सकता है शरीर में और अन्य
पेन, आपको दर्द उत्पन्न हो सकता है, तो इसीलिए अवश्य आप ध्यान रखें कि योगा अभ्यास को सीखने के लिए आप किसी विशेषज्ञ, योग विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें। दाएं ओर से श्वास भरें और बाएं ओर से प्रश्वास करें। आवृत्ति पूर्ण होने के पश्चात आप हाथ को पुनः घुटने के ऊपर ले आएं। स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए कूलिंग प्राणायाम, जिसे हम कहते हैं शीतली का अभ्यास, शीतली प्राणायाम और शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास आप अवश्य करें। कम से कम 5 से 7 राउंड एक सिटिंग में अवश्य करें। यह अभ्यास बहुत ही लाभदायक सिद्ध होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट्स के लिए। सबसे पहले करेंगे शीतली का अभ्यास। श्वास भरते हुए आप जीभ को बाहर की ओर निकालें और टंग को रोल कर लें। श्वास भरें जीभ के माध्यम से, जिस तरीके से एयर को, जैसे जिस प्रकार सक किया जा रहा हो, और मुंह को बंद करते हुए नाक से प्रश्वास करें। पुनः श्वास भरें तेजी के साथ सक करते हुए, मुंह बंद करते हुए श्वास नासिका से बाहर। एक बार पुनः और कर जाएं। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव प्राणायाम है, शीतली का अभ्यास और शीतकारी का अभ्यास। अगला करेंगे शीतकारी प्राणायाम। मुंह को खोलते हुए दांतों को एक दूसरे के ऊपर मिला लें। श्वास भरें दांतों के माध्यम से मुंह के अंदर, लंबा गहरा श्वास भरें, आवाज़ के साथ मुंह बंद करते हुए नासिका से प्रश्वास करें। 2 से 3 बार आप इस अभ्यास को करें। स्वयं आप अनुभव कर सकते हैं, इस अभ्यास को करते समय आप ठंडक का अनुभव कर रहे होंगे, जो हवा शरीर के भीतर जा रही है मुख के माध्यम से, वो ठंडा आपको महसूस हो रहा होगा। तो उस ताजगी को अनुभव करते हुए, प्राणवायु को शरीर के भीतर जाता हुआ अनुभव करते हुए इस अभ्यास को करें। हम धीरे से विश्राम, श्वास प्रश्वास पर गहराई से ध्यान दें। अगला अभ्यास भ्रामरी प्राणायाम। दोनों हाथों को इसी अवस्था में रखते हुए भ्रमर के भांति गुंजन करना है। लंबा गहरा श्वास भरें और प्रश्वास करते हुए म कार की ध्वनि कुछ गुंजन के माफिक करते हुए इस अभ्यास को कम से कम 4 से 5 बार अवश्य करें। कुछ इस प्रकार भ्रामरी प्राणायाम स्ट्रेस रिलीजिंग प्राणायाम में से है। ध्यान की अवस्था तक ले जाने के लिए भ्रामरी प्राणायाम बहुत ही सहायक है। इस अभ्यास को करते हुए जब भौरे की भांति आप गुंजन कर रहे हैं, तो पूरा ध्यान अपना सिर के ऊपरी हिस्से पर रखें। यदि अल्सरेटिव कोलाइटिस की समस्या काफ़ी लंबे समय से चल रही हो, तो व्यक्ति डिप्रेशन से ग्रसित हो सकता है। इसीलिए आपको ध्यान ये रखना है कि स्ट्रेस कम लें, और योग अभ्यास में इन सभी जो आज के सत्र में योगासन बताए गए, प्राणायाम बताए गए, इनको आप नियमित रूप से ज़रूर करें। प्रश्वास करते हुए धीरे धीरे श्वास को शरीर से बाहर निकालें और कुछ देर इस अभ्यास से मिलने वाले प्रभाव को मानसिक रूप से अनुभव करें। शांति का अनुभव करते हुए शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें।
आइए चलते हैं सत्र के समापन की ओर। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में ले आएं, मन ही मन संकल्प लें कि योग करें और निरोग रहें। लंबा गहरा श्वास भरें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शांति। दोनों हथेलियों का परस्पर घर्षण करें। हथेलियों का स्पर्श आंखों पर, चेहरे पर लगाते हुए सहजता से वापस आएं। जी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे ढंग से आज के इस विषय पर, आज के टॉपिक पर मिस सुनीला प्रधान ने अपनी योगी क्रियाओं के बारे में डेमोंस्ट्रेटर को बताया। डेमोंस्ट्रेटर ने आपके सामने, जो कि प्रीति जोशी हैं, उन्होंने आपको करके दिखाया और अल्सरेटिव कोलाइटिस को कैसे मैनेज करना है योगी क्रियाओं के माध्यम से, ये आज आपने सीखा। कौन कौन सी योगी क्रियाएं हैं एक बार संक्षेप में मैं आपको बता दूं। वृक्षासन, ताड़ासन, वीरभद्रासन, ये सब आसन हैं जो खड़े होकर के आपको करने हैं। और इसके अलावा शशकासन, भद्रासन, सेतुबंधासन और पवन मुक्तासन, इन आसनों को लेटकर करना है। और इन आसनों के माध्यम से कोलाइटिस मैनेजमेंट आप अच्छे से कर सकते हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस का मैनेजमेंट। योग में बहुत शक्ति है और योग के माध्यम से निरोग रहने का जो संकल्प है वो आप ले सकते हैं और निश्चित तौर पर निरोग रह सकते हैं। चलते चलते सत्र के अंत में अपने छात्रों, अपने दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि अगर इस बार की जो पाठ्यपुस्तकें हैं NCERT की, उन्हें आपने अब तक नहीं ली हैं, तो आपके पास अभी भी उन पुस्तकों को खरीदने के, लेने के विकल्प मौजूद हैं। और इसके लिए आप अलग अलग माध्यमों से पुस्तकें खरीद सकते हैं, जिसमें NCERT के जो सेल्स काउंटर्स हैं देश के अलग अलग भागों में अवेलेबल हैं, दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोलकाता और गुवाहाटी। और ये सारे सेल्स काउंटर्स सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक खुले रहते हैं। रविवार के दिन भी, छुट्टियों के दिन भी आप यहाँ पर जा सकते हैं। और इनका पता अगर आपको जानना है तो आप हमारी वेबसाइट ncert.nic.in पर लॉग ऑन करके जानकारी ले सकते हैं। और साथ ही साथ सॉफ्ट कॉपी के लिए आप हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशंस हैं ई पाठशाला, दीक्षा और NCERT, इन माध्यमों से भी पाठ्यपुस्तकों का सॉफ्ट वर्जन, सॉफ्ट कॉपी आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिनका प्रिंटआउट लेकर बुक फॉर्म में आप इसे अपने पास रख सकते हैं या मोबाइल, टैबलेट और लैपटॉप में पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ ncertbooks.ncert.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन डिलीवरी के लिए ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो ये रही छात्रों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सूचना। और अब विदा लेंगे अपने छात्रों और दर्शकों से और धन्यवाद कहेंगे हमारे आज के मेहमानों का, जो कि एम्स से हमारे साथ जुड़ी थी, सीनियर रिसर्च फेलो मिस सुनीला प्रधान, थैंक यू सो मच मैम, और MD NIY की छात्रा, BSc की स्टूडेंट प्रीति जोशी जुड़ी थी जो आपको डेमोंस्ट्रेट कर रही थी। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी दर्शकों का भी धन्यवाद, हमें आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। तमाम इसी तरह की जानकारियाँ, तमाम इसी तरह की जागरूकता के कार्यक्रम आपके लिए हम लेकर आते रहते हैं। धन्यवाद।